दो दिन तक गांव में खूब धूमधाम रही। बाजे बजे गाना बजाना हुआ और रूपा रो धोकर विदा हो गई। मगर होरी को किसी ने घर से निकलते न देखा। ऐसा छिपा बैठा था जैसा मुंह में कालिक लगी हो। मालती के आ जाने से चहल पहल और बढ़ गई। दूसरे गांवों की स्त्रियां भी आ गईं। गोबर ने अपने शील स्नेह से सारे गांव को मुक्त कर लिया है। ऐसा कोई घर न था जहां वह अपने मीठे व्यवहार की याद न छोड़ आया हो। भोला तो उसके पैरों पर गिर पड़ा। उनकी स्त्री ने उसको पान खिलाए और 1 रुपया विदाई दी और उसका लखनऊ का पता भी पूछा। कभी लखनऊ आएगी तो उससे ज़रूर मिलेगी। अपने रुपये की उससे चर्चा न की। तीसरे दिन जब गोबर चलने लगा तो होरी ने धनिया के सामने आंखों में आंसू भरकर वह अपराध स्वीकार किया जो कई दिन से उसकी आत्मा को मथ रहा था और रोकर बोला, बेटा मैंने इस ज़मीन के मोह से पाप की गठरी सिर ला दी। न जाने भगवान मुझे इसका क्या दंड देंगे। गोबर जरा भी गर्म ना हुआ। किसी प्रकार का रोष उसके मुंह पर न था। श्रद्धा भाव से बोला, इसमें अपराध की तो कोई बात नहीं है दादा। हाँ, रामसेवक के रुपए अदा कर देने चाहिए। आखिर तुम क्या करते? मैं किसी लायक नहीं, तुम्हारी खेती में उपज नहीं, करज कहीं मिल नहीं सकता, 1 महीने के लिए भी घर में भोजन नहीं। ऐसी दशा में तुम और कर ही क्या सकते थे? जायदाद न बचाते तो रहते कहाँ? जब आदमी का कोई बस नहीं चलता तो अपने को तकदीर पर ही छोड़ देता है। न जाने यह धांधली कब तक चलती रहेगी। जिसे पेट की रोटी मयसर नहीं उसके लिए मर्जात और इज्जत सब ढोंग है। औरों की तरह तुमने भी दूसरों का गला दबाया होता, उसकी जमा मारी होती तो तुम भी भले आदमी होते। तुमने कभी नीति को नहीं छोड़ा, यह उसी का दंड है। तुम्हारी जगह मैं होता तो या तो जेल में होता या फांसी पर गया होता। मुझे यह कभी बर्दाश्त न होता कि मैं कमा कमा कर सबका घर भरूं और आप अपने बाल बच्चों के साथ मुंह में जाली लगाए बैठा रहूं। धनिया बहू को उसके साथ भेजने पर राजी न हुई। झुनिया का मन भी अभी कुछ दिन यहाँ रहने का था। तय हुआ कि गोबर अकेला ही जाएगा। दूसरे दिन प्रातःकाल गोबर सबसे विदा होकर लखनऊ चला। होरी उसे गाँव के बाहर तक पहुँचाने आया। गोबर के प्रति इतना प्रेम उसे कभी न हुआ था। जब गोबर उसके चरणों पर झुका तो होरी रो पड़ा, मानो फिर उसे पुत्र के दर्शन न होंगे। उसकी आत्मा में उल्लास था, गर्व था, संकल्प था। पुत्र से यह श्रद्धा और स्नेह पाकर वह तेजवान हो गया है, विशाल हो गया है। कई दिन पहले उस पर जो अफसाद सा छा गया था, एक अंधकार सा, जहाँ वह अपना मार्ग भूल जाता था, वहाँ अब उत्साह है और प्रकाश है। रूपा अपनी ससुराल में खुश थी। जिस दशा में उसका बालपन बीता था उसमें पैसा सबसे कीमती चीज थी। मन में कितनी सांधे थी जो मन में ही घुट घुट कर रह गई थी, अब वह उन्हें पूरा कर रही थी। और रामसेवक अधेड़ होकर भी जवान हो गया था। रूपा के लिए वह पति था। उसके जवान, अधेड़ या बूढ़े होने से उसकी नारी भावना में कोई अंतर ना आ सकता था। उसकी यह भावना पति के रंग रूप या उम्र पर आश्रित न थी। उसकी बुनियाद इससे बहुत गहरी थी, श्वेत परंपराओं की तह में जो केवल किसी भूकंप से ही हिल सकती थी। उसका यौवन अपने ही में मस्त था। वह अपने ही लिए अपना बनाव सिंगार करती थी और आप ही खुश होती थी। रामसेवक के लिए उसका दूसरा रूप था। तब वह गृहिणी बन जाती थी, घर के कामकाज में लगी हुई। अपनी जवानी दिखाकर उसे लज्जा या चिंता में न डालना चाहती थी। किसी तरह की अपूर्णता का भाव उसके मन में न आता था। अनाज से भरे हुए बखार और गाँव से सिवान तक फैले हुए खेत और द्वार पर ढोरों की कतारें और किसी प्रकार की अपूर्णता को उसके अंदर आने ही न देती थी। और उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा थी अपने घर वालों की खुशी देखना, उनकी गरीबी कैसे दूर कर दे। उस गाय की याद अभी तक उसके दिल में हरी थी जो मेहमान की तरह आई थी और सबको रोता छोड़कर चली गई थी। वह स्मृति इतने दिनों के बाद अब और भी मृदु हो गई थी। अभी उसका निजत्व इस नए घर में न जम पाया था। वही पुराना घर उसका अपना घर था, वहीं के लोग अपने आत्मीय थे। उन्हीं का दुख उसका दुख और उन्हीं का सुख उसका सुख था। इस द्वार पर ढोरों का एक रेवड़ देखकर उसे वह हर्ष न हो सकता था जो अपने द्वार पर एक गाय देखकर होता। उसके दादा की यह लालसा कभी पूरी न हुई। जिस दिन वह गाय आई थी उन्हें कितना उछाह हुआ था, जैसे आकाश से कोई देवी आ गई हो। तब से फिर उन्हें इतनी समाई ही न हुई कि कोई दूसरी गाय लाते। पर वह जानती थी आज भी वह लालसा होरी के मन में उतनी ही सजग है। अब की यह जाएगी
तो वह साथ में धौरी गाय जरूर लेती जाएगी। नहीं, अपने आदमी से क्यों ना भिजवा दे, रामसेवक से पूछने की देर थी। मजूरी हो गई और दूसरे दिन एक अहीर के मार्फत रूपा ने गाय भेज दी। अहीर से कहा, दादा से कह देना मंगल की दूध पीने के लिए भेजी है। होरी भी गाय लेने की फिक्र में था। यों अभी उसे गाय की कोई जल्दी ना थी, मगर मंगल यही है और बिना दूध के कैसे रह सकता है। रुपये मिलते ही वह सबसे पहले गाय लेगा। मंगल अब केवल उसका पोता नहीं है, केवल गोबर का बेटा नहीं है, मालती देवी का खिलौना भी है। उसका लालन पालन उसी तरह का होना चाहिए, मगर रुपये कहाँ से आए। संयोग से उसी दिन एक ठेकेदार ने सड़क के लिए गांव के ऊसर में कंकड़ की खुदाई शुरू की। होरी ने सुना तो चटपट वहां जा पहुंचा और 8 आने रोज पर खुदाई करने लगा। अगर यह काम 2 महीने भी टिक गया तो गाय भर को रुपए मिल जाएंगे। दिन भर लू और धूप में काम करने के बाद वह घर आता तो बिल्कुल मरा हुआ, पर अवसाद का नाम नहीं, उसी उत्साह से दूसरे दिन काम करने जाता। रात को भी खाना खाकर डिब्बी के सामने बैठ जाता और सुतली काटता, कहीं 12-1 बजे सोने जाता। धनिया भी पगला गई थी, उसे इतनी मेहनत करने से रोकने के बदले खुद उसके साथ बैठी बैठी सुतली काटती। गाय तो लेनी ही है, रामसेवक के रुपए भी तो अदा करने हैं, गोबर कह गया है, उसे बड़ी चिंता है। रात के 12 बज गए थे, दोनों बैठे सुतली काट रहे थे। धनिया ने कहा, तुम्हें नींद आती हो तो जाके सो रहो, भोरे फिर तो काम करना है। होरी ने आसमान की ओर देखा, चला जाऊंगा, अभी तो 10 बजे होंगे, तू जा सो रह, मैं तो दोपहर को छन भर पौड़ रहती हूँ, मैं भी चबेना करके पेड़ के नीचे सो लेता हूँ। बड़ी लू लगती होगी, लू क्या लगेगी, अच्छी छा है, मैं डरती हूँ कहीं तुम बीमार न पड़ जाओ। चल, बीमार वह पड़ते हैं जिन्हें बीमार पड़ने की फुर्सत होती है। यहाँ तो यह धुन है कि अभी गोबर आए तो रामसेवक के 0.5 रुपये जमा रहें, कुछ वह भी लाएगा, बस इस साल इस ऋण से गला छूट जाए तो दूसरी जिंदगी हो। गोबर की अब की बड़ी याद आती है, कितना सुशील हो गया है, चलती बेर पैरों पर गिर पड़ा। मंगल वहां से आया तो कितना तैयार था, यहां आकर दुबला हो गया है। वहां दूध मक्खन क्या नहीं पाता था, यहां रोटी मिल जाए वही बहुत है। ठेकेदार से रुपये मिले और गाय लाया। गाय तो कभी आ गई होती, लेकिन तुम जब कहना मानो, अपनी खेती तो संभाले न संभलती थी, पुनिया का भार भी अपने सिर ले लिया। क्या करता, अपना धर्म भी तो कुछ है, हीरा ने नालायकी की तो उसके बाल बच्चों को संभालने वाला तो कोई चाहिए ही था, कौन था मेरे सिवा बता। मैं ना मदद करता तो आज उनकी क्या गति होती, सोच, इतना सब करने पर भी तो मंगरू ने उस पर नालिश कर ही दी। रुपए गाड़ कर रखेगी तो क्या नालिश ना होगी, क्या भक्ति है, खेती से पेट चल जाए यही बहुत है, गाड़ कर कोई क्या रखेगा। हीरा तो जैसे संसार ही से चला गया, मेरा मन तो कहता है कि वह आवेगा कभी ना कभी जरूर। दोनों सोए, होरी अंधेरे मुंह उठा तो देखता है कि हीरा सामने खड़ा है, बाल बढ़े हुए, कपड़े तार तार, मुंह सूखा हुआ, देह में रक्त और मांस का नाम नहीं, जैसे कद भी छोटा हो गया है। दौड़कर होरी के कदमों पर गिर पड़ा। होरी ने उसे छाती से लगाकर कहा, तुम तो बिल्कुल घुल गए हीरा, कब आए, आज तुम्हारी बार बार याद आ रही थी, बीमार हो क्या। आज उसकी आंखों में वह हीरा ना था जिसने उसकी जिंदगी तल्ख कर दी थी, बल्कि वह हीरा था जो बेमां बाप का छोटा सा बालक था। बीच के ये 25-30 साल जैसे मिट गए, उनका कोई चिन्ह भी ना था। हीरा ने कुछ जवाब न दिया, खड़ा रो रहा था। होरी ने उसका हाथ पकड़कर गद्द कंठ से कहा, क्यों रोते हो भैया, आदमी से भूल चूक होती ही है, कहाँ रहा इतने दिन। हीरा कातर स्वर में बोला, कहाँ बताऊँ दादा, बस यही समझ लो कि तुम्हारे दर्शन बदे थे, बज गया, हत्या सिर पर सवार थी, ऐसा लगता था कि वह गऊ मेरे सामने खड़ी है, हरदम सोते जागते, कभी आंखों से ओझल न होती, मैं पागल हो गया और 5 साल पागल खाने में रहा। आज वहां से निकले 6 महीने हुए, मांगता खाता फिरता रहा, यहां आने की हिम्मत न पड़ती थी, संसार को कौन मुंह दिखाऊंगा। आखिर जी न माना, कलेजा मजबूत करके चला आया, तुमने बाल बच्चों को। होरी ने बात काटी, तुम नाहक भागे, अरे दरोगा को 10-5 देकर मामला रफा दफा करा दिया जाता, और होता क्या।
तुमसे जीते जी उड़े नहूंगा दादा, मैं कोई गैर थोड़े हूँ भैया। होरी प्रसन्न था। जीवन के सारे संकट, सारी निराशाएं मानो उसके चरणों पर लौट रही थीं। कौन कहता है जीवन संग्राम में वह हारा है? यह उल्लास, यह गर्व, यह पुलक क्या हार के लक्षण हैं? इन्हीं हारों में उसकी विजय है। उसके टूटे फूटे अस्त्र उसकी विजय पताकाएं हैं। उसकी छाती फूल उठी है, मुख पर तेज आ गया है। हीरा की कृतज्ञता में उसके जीवन की सारी सफलता मूर्तिमान हो गई है। उसके बखार में 100-200 मन अनाज भरा होता, उसकी हांडी में 1500 गड़े होते, तो उससे यह स्वर्ग का सुख क्या मिल सकता था? हीरा ने उसे सिर से पांव तक देखकर कहा, तुम भी तो बहुत दुबले हो गए हो दादा। होरी ने हंसकर कहा, तो क्या यह मेरे मोटे होने के दिन हैं? मोटे वह होते हैं जिन्हें नरिन की सोच होती है, न इज्जत की। इस जमाने में मोटा होना बेहयाई है। 100 को दुबला करके तब एक मोटा होता है। ऐसे मोटेपन में क्या सुख? सुख तो जब है कि सभी मोटे हों। शोभा से भेंट हुई? उससे तो रात को भेंट हो गई थी। तुमने तो अपनों को भी पाला, जो तुमसे बैर करते थे उनको भी पाला और अपनी मर्जात बनाए बैठे हो। उसने तो खेत बारी सब बेच डाली और अब भगवान ही जाने उसका कैसे निपाह होगा। आज होरी खुदाई करने चला तो देह भारी थी। रात की थकान दूर ना हो पाई थी, पर उसके कदम तेज थे और चाल में निर्द्वंदता की अकड़ थी। आज 10 बजे ही से लू चलने लगी और दोपहर होते होते आग बरस रही थी। होरी कंकड़ के छौवे उठा उठा कर खदान से सड़क पर लाता था और गाड़ी पर लादता था। जब दोपहर की छुट्टी हुई तो वह बेदम हो गया था। ऐसी थकन उसे कभी न हुई थी। उसके पांव तक न उठते थे, देह भीतर से झुलसी जा रही थी। उसने न स्नान ही किया न चबेना। उसी थकन में अपना अंगोछा बिछाकर एक पेड़ के नीचे सो रहा, मगर प्यास के मारे कंठ सूखा जाता था। खाली पेट पानी पीना ठीक नहीं। उसने प्यास को रोकने की चेष्टा की, लेकिन प्रतिक्षण भीतर की दाह बढ़ती जाती थी, न रहा गया। एक मजदूर ने बाल्टी भर रखी थी और चबेना कर रहा था। होरी ने उठकर एक लोटा पानी खींच कर पिया और फिर आकर लेट रहा, मगर आधे घंटे में उसे कह हो गई और चेहरे पर मुर्दनी सी छा गई। उस मजदूर ने कहा, कैसा जी है होरी भैया? होरी के सिर में चक्कर आ रहा था, बोला, कुछ नहीं, अच्छा हूँ। यह कहते कहते उसे फिर कह हुई और हाथ पांव ठंडे होने लगे। यह सिर में चक्कर क्यों आ रहा है? आंखों के सामने जैसे अंधेरा छाया जाता है। उसकी आंखें बंद हो गईं और जीवन की सारी स्मृतियां सजीव हो होकर हृदय पट पर आने लगीं। लेकिन बेक्रम आगे की पीछे, पीछे की आगे, स्वप्न चित्रों की भांति बेमेल, विकृत और असंबद्ध। वह सुखद बालपन आया जब वह गुल्लियां खेलता था और माँ की गोद में सोता था। फिर देखा जैसे गोबर आया है और उसके पैरों पर गिर रहा है। फिर दृश्य बदला, धनिया दुल्हन बनी हुई लाल चुंदरी पहने उसको भोजन करा रही थी। फिर एक गाय का चित्र सामने आया, बिल्कुल कामधेनु सी। उसने उसका दूध दुहा और मंगल को पिला रहा था कि गाय एक देवी बन गई। और उसी मजदूर ने फिर पुकारा, दोपहरी ढल गई होरी, चलो झौवा उठाओ। होरी कुछ न बोला। उसके प्राण तो जाने किस किस लोक में उड़ रहे थे। उसकी देह जल रही थी, हाथ पांव ठंडे हो रहे थे, लू लग गई थी। उसके घर आदमी दौड़ा गया। एक घंटे में धनिया दौड़ी हुई आ पहुंची। शोभा और हीरा पीछे पीछे खटोले की डोली बनाकर ला रहे थे। धनिया ने होरी की देह छुई तो उसका कलेजा सन से हो गया, मुख कांतिहीन हो गया था। कांपती हुई आवाज से बोली, कैसा जी है तुम्हारा? होरी ने अस्थिर आंखों से देखा और बोला, तुम आ गए गोबर, मैंने मंगल के लिए गाय ले ली है, वह खड़ी है, देखो। धनिया ने मौत की सूरत देखी थी, उसे पहचानती थी। उसे दबे पांव आते भी देखा था, आंधी की तरह भी देखा था। उसके सामने सास मरी, ससुर मरा, अपने 2 बालक मरे, गांव के 50 आदमी मरे। प्राण में एक धक्का सा लगा। वह आधार जिस पर जीवन टिका हुआ था जैसे खिसका जा रहा था। लेकिन नहीं, यह धैर्य का समय है। उसकी शंका निर्मूल है, लू लग गई है, उसी से अचेत हो गए हैं। उमड़ते हुए आंसुओं को रोक कर बोली, मेरी ओर देखो, मैं हूं, क्या मुझे नहीं पहचानते?
होरी की चेतना लौटी। मृत्यु समीप आ गई थी, आग देखने वाली थी, धुआं शांत हो गया था। धनिया को दीन आंखों से देखा, दोनों कोनों में आंसू की दो बूंदें लुढ़क पड़ी। शीर स्वर में बोला, मेरा कहा सुना माफ करना धनिया, अब जाता हूँ। गाय की लालसा मन में ही रह गई, अब तो यहाँ के रुपए क्रियाकर्म में जाएंगे। रो मत धनिया, अब कब तक जिलाएगी, सब दुर्दशा तो हो गई, अब मरने दे। और उसकी आंखें फिर बंद हो गईं। उसी वक्त हीरा और शोभा डोली लेकर पहुंच गए। होरी को उठाकर डोली में लिटाया और गांव की ओर चले। गांव में यह खबर हवा की तरह फैल गई, सारा गांव जमा हो गया। होरी खाट पर पड़ा शायद सब कुछ देखता था, सब कुछ समझता था, पर जबान बंद हो गई थी। हाँ, उसकी आंखों से बहते हुए आंसू बतला रहे थे कि मोह का बंधन तोड़ना कितना कठिन हो रहा है। जो कुछ अपने से नहीं बन पड़ा, उसी के दुख का नाम तो मोह है। पाले हुए कर्तव्य और निपटाए हुए कामों का क्या मोह? मोह तो उन अनाथों को छोड़ जाने में है जिनके साथ हम अपना कर्तव्य न निभा सके, उन अधूरे मंसूबों में है जिन्हें हम न पूरा कर सके। मगर सब कुछ समझकर भी धनिया आशा की मिटती हुई छाया को पकड़े हुए थी। आंखों से आंसू गिर रहे थे, मगर यंत्र की भांति दौड़ दौड़ कर कभी आम भूनकर पना बनाती, कभी होरी की देह में गेहूं की भूसी की मालिश करती। क्या करे, पैसे नहीं हैं, नहीं तो किसी को भेजकर डॉक्टर बुलाती। हीरा ने रोते हुए कहा, भाभी दिल कड़ा करो, गोदान करा दो, दादा चले। धनिया ने उसकी ओर तिरस्कार की आंखों से देखा। अब वह दिल को और कितना कठोर करे, अपने पति के प्रति उसका जो कर्म है क्या वह उसको बताना पड़ेगा? जो जीवन का संगी था उसके नाम को रोना ही क्या उसका धर्म है? और कई आवाजें आईं, हाँ गोदान करा दो, अब यही समय है। धनिया यंत्र की भांति उठी। आज जो सुतली बेची थी उसके 20 आने पैसे लाई और पति के ठंडे हाथ में रख कर सामने खड़े दाता दीन से बोली, महाराज घर में न गाय न बछिया न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। और पछाड़ खाकर गिर पड़ी।